स्वागत है एक नई क्लास में। ये सैन ये आपकी वोकैबुलरी थर्ड क्लास होने जा रही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, और जिसको भी कोई पर्सनल क्वेरीज आ रही हो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं यार। क्लास अगर थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसमें आप लोगों को हाइपर होने कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड्स की आपको हिंदी बताते चलता हूँ, उसके एक्सप्लेन करते चलता हूँ, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। ओके, तो चाहिए फिर से मैं वही बात कहूँगा कि एंटोनियम चालू करूँगा, क्योंकि मुझको एंटोनियम थोड़ी हार्ड लगती है और आपके नज़रिए से एंटोनियम की आपके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। तो एंटोनियम एक एक करके हम लोग चालू करते हैं। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है इंडिजेंट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजेंट? इंडिजेंट का मीन्स क्या होता है? पुअर। क्या होता है? पुअर, गरीब। ओके, चलिए एक एक करके हम लोग उसके मीनिंग्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले दिया रिच, तो हम लोग को पहले एंटोनियम मतलब पता चल गया, तो उसका आंसर क्या हो गया? रिच, मतलब ए नंबर आंसर। ओके, दूसरी बात करने जा रहे हैं अवफुल। क्या बोले? अवफुल। अवफुल मतलब क्या होता है? भयानक। क्या होता है? भयंकर। क्या होता है? अवफुल मतलब क्या होता है? भयंकर। क्या होता है इसका मीन्स? भयंकर। कंप्लीट में जानते ही हैं पूर्णता। और डिलीजेंट मतलब जानते हैं हार्ड वर्कर। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्कर। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्कर, परिश्रमी। क्या होता है? हार्ड वर्कर मीन्स परिश्रमी। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आपका इंटीग्रल। क्या दे रहा है? इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? इंटीग्रल मीन्स क्या होता है कोई बताएगा? कमेंट बताइएगा। इंटीग्रल मीन्स, और इसकी भी साइन नहीं बता सकते इंटीग्रल के। तो इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? अभिन्न। क्या होता है? अभिन्न। ठीक है, अभिन्न होता है। इंटीग्रल मीन्स क्या होता है? अभिन्न। ठीक है, आइए इसके ऑप्शंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक एक के ऊपर बात करें। पार्टियल, क्या लिया हुआ है? पार्टियल। पार्टियल मीन्स क्या होता है? आंशिक। क्या होता है? आंशिक। पार्टी मीन्स क्या होता है? आंशिक। दूसरा दे रहा है मेजर। मेजर माने क्या होता है? सबको पता है मुख्य रैंक होती है ना मेजर की, तो क्या होती है? मुख्य रैंक है ना, मुख्य है। ठीक है, दूसरी बात करने जा रहे हैं। दूसरा दे रहा है एसेंटियल। क्या दे रहा है? एसेंटियल। एसेंटियल मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ एसेंटियल मतलब आपको उसकी नीड है, मतलब उसकी क्या है? जरूरी है वो आपके लिए। ठीक है, जरूरी। आपको भी तो एयरफोर्स की क्या है? एसेंटियल होनी चाहिए। आपको उसकी वर्दी की क्या होनी चाहिए? जरूरी। आपके लिए वर्दी जरूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है? देश की सेवा करनी है। ठीक है, वो भी नीली वर्दी में। इंडिपेंडेंट मतलब समझो जानते हैं क्या होता है? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिन्न है। ठीक है, किसी सबसे भिन्न है। अभिन्न मतलब सबसे भिन्न है। सबसे भिन्न क्या है? सबसे भिन्न है, इसका मतलब क्या है? वो इसका मुख्य, इसका जो मेन आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? वो अभिन्न सबसे अलग है, सबसे अलग है। तो क्या हो जाएगा इसका? जरूरी है। कोई सबसे अलग है तो कोई इसके लिए क्या? जरूरी है। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैपलेस। हैपलेस मीन्स क्या होता है? तो हैपलेस मीन्स होता है अभागा। ठीक है, जिसका भाग्य साथ ना देता हो। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाग्य उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तो अभागे का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका लकी। क्या हो जाएगा? एट इज़ द करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। काइंड माने दयालु होता है। हेल्प मतलब दयावान है ना, हेल्प मतलब दयावान या मदद करने वाला। और दूसरा दे रहा है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है? फर्टाइल मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ ना हो। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? जिसका अर्थ ना हो। जिसका अर्थ ना हो। ओके, इसका अर्थ ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन से पढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दे रहा है, आपका फ्लक्चुएट। क्या ले रहा है? फ्लक्चुएट। क्या दे रहा है? फ्लक्चुएट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्लक्चुएट? तो फ्लक्चुएट मीन्स होता है अप एंड डाउन्स। अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अप एंड डाउन? तो अप एंड डाउन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या? अप एंड डाउन का मीन्स क्या होता है? उतार चढ़ाव। जब लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको ध्यान से और अपने साहस से काम लेना चाहिए हमेशा। एक बात का हमेशा आप लोग ख्याल रखेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर नहीं किया उसको शेयर कर देगा। ओके,
तो आपको कभी भी अपने जब उतार चढ़ाव हो तो कभी उसमें नहीं फंसना चाहिए और हमेशा अपने आप को दृढ़ता से आगे रखना चाहिए। अब आते हैं कंजीव के ऊपर। क्या लिखा है? कंजीव, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजीव? जब लेडीज़ क्या करती हैं, गर्भ धारण, तो कंजीव मीन्स क्या होता है? गर्भ धारण। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये लिखा है स्टेबलाइज। क्या लिखा हुआ है? स्टेबलाइज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेबलाइज? स्टेबलाइज का मीन्स क्या होता है? स्थिर। क्या है? स्थिर। क्या है? स्थिर है। इसके अकॉर्डिंग आइए और ऑप्शंस पे आते हैं। एनर्जाइक। क्या लिखा है? एनर्जाइज। क्या होता है? एनर्जाइज, एनर्जी से भरा हुआ। एनर्जाइज मीन्स एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जाइज है वो, ठीक है, ऊर्जा से भरा हुआ है। और फोर्थ नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एमेंसिपेट। क्या हो रहा है? एमेंसिपेट, स्वतंत्र करना। एमेंसिपेट मीन्स स्वतंत्र करना, टू गेट फ्री, स्वतंत्र करना, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लूड रेट में क्या होता है? उतार चढ़ाव होना, अप एंड डाउन होना, तो स्टेबिलाइज मीन्स क्या होता है? स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एम्यूलरेट। क्या बोल रहा है? एम्यूलरेट। एक एक करके ऑप्शन के ऊपर आते हैं इसके। एम्यूलरेट्स, ठीक है, तो एम्यूलरेट मीन्स क्या होता है? तो दोस्त, एम्यूलरेट मीन्स होता है उन्नति। क्या होती है? उन्नति। और बोले तो प्रोग्रेस। क्या है? प्रोग्रेस। अगर आपके प्रोग्रेस है तो क्या है? आपकी एम्यूलरेट है, ठीक है, उन्नति करना। ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। वर्शन। क्या लिखा है? वर्शन। तो वर्शन मीन्स क्या होता है? खराब, खराब, ठीक। और आते हैं गेग्रेट मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। गेग्रेट मीन्स क्या होता है? प्रकट करना, प्रकट करना। ओके, आइए आते हैं स्वीटर। मान लें जानते सब लोग मीठा, ठीक है, कोई चीज़ मीठी है तो क्या है? स्वीटन है, ठीक है, कोई चीज़ मीठी तो क्या है? वो स्वीटन है। अब आते हैं इन्यूमरेट के ऊपर। तो इन्यूमरेट मीन्स क्या होता है? गणना करना, है ना, क्या करना? गणना करना। ओके गाइस, ओके दोस्त, तो क्या होता है? गणना करना। इसके अकॉर्डिंग एम्यूलरेट मीन्स होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। तो कोई चीज़ क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्शन हो जाएगा, खराब, मतलब इज अ करेक्ट आंसर, इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आज एंटोनियम में आपके मैंने काफ़ी डाले हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है एबोलिश। क्या बोल रहा है? एबोलिश। एबोलिश में सब क्या होता है? फिनिश। क्या होता है? फिनिश, फिनिश। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिनिश? तो फिनिश क्या होता है? समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। तो इसके अकॉर्डिंग एबोलिश मीन्स क्या होता है? समाप्त करना। रिमूव मतलब जानते सब लोग, हटाना। हम लोग जबकि स्टोरेज भरते हैं तो क्या करते हैं? उससे फोटोज़ और वीडियोज़ क्या हटाने लगते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन में आता है फ़ोन में आपका क्या? रिमूव, ठीक है। आगे दे रहा है आपका बी नंबर ऑप्शन दे रहा है रिसाइड। क्या बोल रहा है? रिसाइड। रिसाइड मतलब रहते हैं, रहना, है ना, इसी से रेजिडेंट बना हुआ, ठीक है, आवास। तो क्या रहते हैं, ठीक। आगे दे रहा है देखा कन्फर्म्ड। क्या दे रहा है? कन्फर्म्ड। ये क्या दे रहा है? कन्फर्म्ड। क्या दे रहा है? कन्फर्म्ड मतलब सामना होना। जब किसी का आपका आमना सामना होता है क्या होता है? कन्फर्म्ड हो रहा है, आमना सामना हो रहा है, युद्ध में हो चाहे आमने सामने, क्या होता है? सामना होना। क्या होता है? सामना होना। ऑप्शन नंबर फोर बोल रहा है एस्टेब्लिश, ठीक है। तो एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना, और एस्टेब्लिश मीन्स क्या होता है? स्थापित करना। क्या होता है? स्थापित करना। राइटिंग में थोड़ा ध्यान में दीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ एक एक करके। आप लोग नोट्स करते जाइए, कोई कॉपी लेके बैठे हैं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग नोट्स करते चलिए, बकायदा अपने नोट्स बनाते रहिए। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कानपुर वाले में मिल जाएगी, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर सेवन पे। सेवन बोल रहा है आपका कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या होता है? उलझा हुआ। कोई चीज़ अगर उलझी हुई तो क्या हुआ? कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। ऑप्शंस पे बात करते हैं एक एक करके बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। दे रहा है रेजिमेंट।
ठीक है। रेजिमेंट क्या होता है ये लोग मुझको आप लोग बताएंगे, रेजिमेंट मीन्स क्या होता है। दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं स्टूपिड, स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, मूर्ख टाइप का, है ना, बेवकूफ़, ठीक। उसके बाद दे रहा है ईजी। अब यहाँ पे लड़के दो 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 ऑप्शन फंस गए, एक है ईजी और एक है सिंपल। तो ईजी मतलब आसान होता है और एक सिंपल मतलब क्या होता है, सरल। ये तो हो गया आसान, क्या हो गया आसान, और एक हो गया सरल। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग राइट आंसर कौन से देंगे। कॉम्प्लिकेट में मतलब होता है उलझा होना, तो एक तो आसान भी हो गया सरल भी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्या, सिंपल। क्या जाएगा, सिंपल। क्यों जाएगा, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सिंपल क्यों जाएगा, क्योंकि सिंपल है इसलिए जाएगा क्या यार, कि ईजी मतलब आसान तरीका वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लिकेट में उलझा हुआ है, किसी काम में उलझा हुआ है, तो किसी काम अगर किसी काम उलझा हुआ है तो मुश्किल उसके लिए, और कोई काम क्या है सरल है। तो इसके अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द परफेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेगा, और जिसको पर्सनल क्वेरीज में मुझ पर आके कॉन्टैक्ट कर सकता है, और टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। अब आते हैं साइनोनिम्स के ऊपर, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स के ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक है। साइनोनिम्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दे रहा है डिलीजेंट, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, आपको भी अपने लाइफ में क्या होना, डिलीजेंट होना है। क्या होना है, हार्ड वर्कर, ठीक है। हार्ड वर्कर मीन्स परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है। हार्ड वर्कर मीन्स परिश्रमी, डिलीजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट मतलब सभी जानते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान। नेक्स्ट आते हैं नोटोरियस मीन्स, जिन लोग जानते हैं, सॉरी आई होप टू से नोटोरियस नहीं था, ये आपका था ऑप्शन, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है आपका, ठीक है। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ये था आपका इंडस्ट्रियस, क्या था ये, इंडस्ट्रियस, ठीक है। स्पेलिंग होती है आई एन डी यू एस टी आर आई ओ यू एस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंडस्ट्रियस, तो आई एन यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा आई एन, ठीक है। तो डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, और हम लोग को निकालना है साइनोनियम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस, जो कि नोटोरियस लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। लेजी माने क्या होता है, लेजी माने होता है क्या, तो लेजी माने सब लोग जानते होंगे सुस्त टाइप का व्यक्ति। और बोस्टफुल मतलब क्या होता है, बोस्टफुल बता देते हैं, ठीक है। बोस्टफुल मीन्स होता है, बोस्टफुल मतलब क्या, डींगे मारने वाला, जो बड़े बड़े डींगे मारता है, करना धरना कुछ नहीं और डींगे मारता रहता है, वो होता है बोस्टफुल, डींगे मारने वाला, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन पे पढ़ते हैं हम लोग आगे। एक और रिपल्सिव, क्या दे रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपका रिपल्सिव। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन्स क्या होता है, प्रतिकारक, पता है, पर्टिकुलर किसी का कोई ना कोई रख हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारक, रिपल्सिव है कोई किसी का, ठीक है। डिफेंसिव मीन्स सब लोग जानते होंगे, बचाव करना, अपना बचाव, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पेंसिव मीन्स जानते होंगे, पेंसिव मीन्स अगर नहीं जानते तो पेंसिव मीन्स लोग क्या होता है, चिंता से ग्रसित होना, ठीक है। लाइफ में आपको कभी भी पेंसिव नहीं होना है, ठीक है, क्या नहीं होना, चिंता से ग्रसित नहीं होना यार, क्या नहीं होना, चिंता से ग्रसित नहीं होना है। ओके, आइए क्रिकेट की और बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर, सी के ऊपर बात करते हैं। अट्रैक्टिव मतलब जानते हैं, आकर्षक, क्या होता है, आकर्षक, आकर्षक, ठीक है। ऑफेंसिव मीन्स जानते हैं, ऑफेंसिव मीन्स क्या होता है, आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक और रिपल्सिव दोनों क्या है, एक दूसरे की, यही एक दूसरे की क्या है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव। दोनों का मीन्स क्या होता है, प्रतिकारक होना या आक्रामक होना, ठीक है, किसी की तरफ आक्रामक होना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी जा, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते जल्दी से। कैलॉस क्या हुआ है, ये कैलॉस, क्या ये कैलॉस, तो कैलॉस मीन्स क्या होता है, हार्श, हार्श, और क्या बोल सकते हैं इसको,
हार्ड, ठीक है, हेलोस हार्ड या कठोर, क्या ये कठोर। तो रूड माने क्या होता है, तो गाइड रूड माने हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो रूड मीन्स क्या होता है, असभ्य, असभ्य, ठीक है, रूड है। सिंपैथिक मीन्स होता है सहानुभूति वाला, अगर कोई आदमी सिंपैथिक है तो क्या है वो सहानुभूति है। आपको अपनी लाइफ में सिंपैथिक होना ही चाहिए, सहानुभूति, क्या ये सहानुभूति है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, राइटिंग नहीं समझ आ रही, तो मैं आपको बोलते हुए चल रहा हूँ, सहानुभूति, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या बोला है, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब कि अनफीलिंग, कोई अगर सेंसिटिव है तो फीलिंग्स, और अनफीलिंग मतलब क्या, फीलिंग लेस, ठीक है, अनफीलिंग और अनफीलिंग्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपका होने वाला है वह क्या होने वाला है, सी नंबर। दोनों क्या है, हम लोग को देखिए जो भी दिया जाए उसमें जो सटीक आंसर है, जो बहुत पास तक का आंसर होता है, उस आंसर को हम लोग को टिक मारते हैं। इसके अकॉर्डिंग सी नंबर आपका सही आंसर है। और इंडिफरेंट मतलब जब लोग जानते होंगे, इंडिफरेंट मीन्स क्या होता है, उदासीन, उदासीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब जानते होंगे, गॉर्जियस क्या होता है, बहुत अच्छा, जब कोई होता है तो क्या होता है, यू आर अ वेरी गॉर्जियस पर्सन। तो गॉर्जियस मतलब होता है बहुत अच्छा होना या अभव्य होना, है ना, कोई चीज़ भव्य है तो क्या वो बहुत अच्छी है, ठीक है, भव्य होना, ठीक है। दूसरा दे रहा है अनटाइडी, अनटाइडी मीन्स जो लोग जानते हुए हैं लापरवाह, लाइफ में कभी अनटाइडी नहीं होना आपको, अब तो बिल्कुल भी मौका नहीं, बचपना हो गया तो हो गया, अब तो बिल्कुल आपको लापरवाह नहीं होना है, अपने सपनों को लेके बिल्कुल आपको डेडिकेट रहना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत लगती है यार, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब से आप मेरे मोटिवेशन बन सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी मीन्स सब लोग जानते हैं साधारण, क्लास थोड़ी लंबी होती है तो लंबी हो जाने दीजिए, क्योंकि इससे आपके सारे ऑप्शन क्लियर होते हैं, मतलब 4 × 15 = 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। और मैं आपको और ऊपर बताते चलता हूँ, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही देता हूँ एक दिन में, इसके लिए आपके लिए बहुत, इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेनी है और कहीं भटकना नहीं है, इतना आपके लिए बहुत है, बहुत सफिशियंट, ब्यूटीफुल मतलब हम जानते होंगे क्या होता है, सुंदर, सुंदर, गॉर्जियस और भव्य, गॉर्जियस भव्य और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो एक दूसरे के पास पास की चीज़ें लग रही हैं, तो एक दूसरे के साइन क्या हो जाएंगे, तो सी नंबर इज़ अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए शैबी के ऊपर बात कर लेते हैं, शैबी मीन्स होता है, शैबी मीन्स क्या होता है, तो ध्यान ना देना, शैबी मीन्स क्या होता है, हु नॉट टेक केयर, ठीक है, ध्यान नहीं देने वाला या ध्यान ना देना, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला है फ्लिपेंट, क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फ्लिपेंट, तो फ्लिपेंट मीन्स होता है क्षुद्र, फ्लिपेंट मीन्स क्या होता है, क्षुद्र, ठीक है। सीरियस मीन्स सब लोग जानते होंगे गंभीर, है ना, गौतम गंभीर नहीं, बहुत अच्छे हैं वो तो, गंभीर, क्या हुआ, गंभीर, ठीक है। कोई अगर सीरियस है तो अपने गोल को लेके सीरियस हो क्या, अपने गोल को लेके गंभीर है, ठीक है, और गंभीर होना भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए उसके बाद तो मौज मस्ती लगी रहती है, ठीक है। और आगे आते हैं, बात करते हैं स्ट्रांग के ऊपर, तो मजबूत, ठीक है, एक बार आप लोग डिफेंस में ज्वाइन हो गए तो अपने घर वालों क्या कर देंगे, मजबूत कर देंगे, ठीक है। शैलो मीन्स क्या होता है, तो शैलो मीन्स होता है उथल, क्या होता है, उथला या एंडोनियम के सैनोनियम की बात कर दो, केयर फ्री, मतलब जिसको कोई केयर ना हो, क्या हो, केयर ना हो, तो एक तरह का क्या हो जाएगा ये क्षुद्र टाइप का व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको कोई केयर ही नहीं है यार, अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो क्या है वो, क्षुद्र टाइप का व्यक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सक्सेसफुल में जानते हैं सब लोग क्या, सफल व्यक्ति, लाइफ में आप सक्सेसफुल है तो आप क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कॉमेडी मीन्स आप लोग जानते होंगे, कॉमेडी मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक करना, ठीक है। तो इसका आंसर आप, ये क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे कमेंट में, इसमें देंगे कमेंट में देंगे। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको भी कोई मुझे पर्सनल बात करनी है, पर्सनल कोई क्वेरीज है तो मुझ पर कर सकता है, बाकी मुझको मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सारे नोट्स, सारे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं। आइए ऑप्शन नंबर 14 में बात करते हैं, जिसका लिखा हुआ एग्रेसिव, क्या लिखा हुआ, अग्रेसिव, अगर कोई व्यक्ति क्या है, अग्रेसिव है तो कैसा है वो, आक्रामक है वो,
क्या है? वो होता ना आक्रामक, एग्रेसिव हो जाना, आक्रामक, ठीक है, आक्रामक हो जाना तो क्या है, एग्रेसिव है, ठीक है। पीसफुल माने क्या होता है, पीसफुल माने क्या होता है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, कोई क्या है शांतिपूर्ण। क्लास अगर लंबी हो रही है, 20-25 मिनट की क्लास हो रही है, तो गाइस आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो रहे हैं, और इससे बढ़िया बेस्ट तरीके से पढ़ाई आपको नहीं मिल सकती। ये सब मेरे नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपको आप प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ वेल विशर्स के साथ साथ, एक बहुत अच्छा आपको ये कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं है, ठीक है। तो डेल मीन्स क्या होता है, तो डेल मीन्स आपका होता है क्या, सुस्त होना, लेजी टाइप का व्यक्ति, सुस्त होना या लेजी टाइप का व्यक्ति। इनएक्टिव मीन्स होता है निष्क्रिय, क्या होता है, निष्क्रिय, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एक्टिवेंस ना हो, कोई भी हाल चाहे वो ना हो उसके अंदर, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और उसके आगे बात करने वाले हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोलफुल, डोलफुल और एग्रेसिव क्या होता है, दोनों आक्रामक। नियरेस्ट हम लोग आंसर जो ढूंढते हैं वो नियरेस्ट ढूंढते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आक्रामक मीन्स ए इज अ करेक्ट आंसर, ओके। आइए लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनहेल, इनहेल मीन्स क्या होता है, आपने सुना होगा विस्क इनहेलर, नाम सुना है ना, विस्क इनहेलर, इनहेलर मीन्स क्या होता है, सांस, ठीक है, और विस्क मतलब सांसों के द्वारा विस्क को लेना, ठीक है, तो इनहेलर मीन्स क्या होता है, सांस, सांस, ओके, सांस की बात करेंगे। और आखिरी में ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, एक्सट्रिकेट, क्या लिखा है, एक्सट्रिकेट, तो एक्सट्रिकेट क्या होता है, हल करना, टू सॉल्व, क्या करना। देखिए मैं आपको एक के दो से दो बताते चला जा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत हो जाते हैं, इससे बढ़िया तैयारी आपको नहीं मिल सकती है, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। टाइम और वेस्ट हो सकता है आपको, 20-25 दिन में करते क्वेश्चन मिलने तो आपके बहुत है ना, बहुत सफिशेंट है। हेट मिस क्या होता है, नफरत करना, आपको लाइफ में किसी से नफरत नहीं करनी है, ठीक है, जलना नहीं है किसी से, बस मोटिवेशन लेना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज बचती है तो मेरे पर्सनल नंबर मुझको डीएम कर सकते हैं, आपको कोई कोई परेशानी होती है, किसी की रिगार्डिंग परेशानी होती है, आपको कोई डीमोटिवेट करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, आप मुझको तो फोन करिए, ठीक है। इंसर्ट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़, किसी के अंदर कोई चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब कर रहे हैं आप, डालना, क्या होता है इसका मतलब, डालना किसी के साथ, इंसर्ट करना, ठीक है, बैग के अंदर बुक क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डालना बुक के अंदर, ठीक है, ओके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन के ऊपर, जिसका नाम है एक्सेल, क्या लिखा हूँ, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। तो मैंने कहा ना सबसे नियरेस्ट का आंसर ढूंढते हैं, तो वहाँ पे सांस की बात हुई, यहाँ सांस छोड़ने की बात हुई, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन तो नाम के लिए होते हैं, क्योंकि 15 × 4 = 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लेगा, शेयर कर देगा अपने दोस्तों को, हर ग्रुप में पहुंचा देगा। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जस्ट इसके बाद आपकी PDF उसमें मिल जाएगी। डेली बेसिस पे पोल आते हैं, मैथ्स के पोल आते हैं, और आपकी बहुत जल्दी मैथ की प्रैक्टिस में लाने वाला हूँ। बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे मोटिवेटर हैं, एज अ आप मुझे सपोर्ट जितना करते हैं वही मेरे लिए बहुत है, और अपने लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है। और जिसको भी कोई क्यूरीज फंसती है वो मेरे पर्सनल नंबर पर DM कर सकता है, इसी कमेंट पर जाके छोड़ दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।